नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी देश भर में रैलियां कर रहे हैं। आज उन्होंने केरल और तमिलनाडु में रैलियां की हैं, तो दूसरी ओर वो भारत के चार गगन यात्रियों को विंग हैंडओवर करने जैसे देश के कार्यक्रम भी लगातार कर रहे हैं। और उधर विपक्ष के इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है? यूपी में राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 8 विधायकों की अंतरात्मा मोदी मोदी बोल उठी। 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 1 विधायक एब्सेंट रही और ऐसे में संभावना बन गई कि यूपी के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट एक्स्ट्रा मिल जाए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग कर दी है। वहां 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया है। ये सभी 9 विधायक हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन की जीत का दावा किया। राज्यसभा चुनाव का पूरा खेला क्या है, आगे बात करूंगी। तो उधर जब राहुल गांधी न्याय यात्रा बीच में छोड़कर लंदन की कैम्ब्रिज में लेक्चर देने गए हैं, तो इसी बीच सीपीआई ने राहुल की कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में अपना कैंडिडेट उतार दिया है। यानी केरल में भी बंगाल के बाद इंडी गठबंधन सीटों पर टाई टाई फिस हो रहा है। इस हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज किया है कि केरल में ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाकी देश में बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं। सवाल पब्लिक का है कि विपक्ष में मची ये उठापटक मोदी फैक्टर का असर है? क्या अखिलेश के एमएलए की मोदी लहर की वजह से ही अंतरात्मा आज जाग उठी है? क्या जब इंडी गठबंधन के नेता केरल में बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं है तो वायनाड में भी राहुल गांधी की सीट फंस जाएगी? क्या 24 का रिजल्ट जानते सभी हैं तभी बीजेपी में भाग रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट मैदान में उतरे। बीजेपी के इस 8वें कैंडिडेट की वजह से चुनाव नतीजों को लेकर माथापच्ची चल रही है। आज जब वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अखिलेश का सारा खेल बिगाड़ दिया। रायबरेली के उंचहार से एमएलए मनोज पांडे और अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग की, माफ कीजिएगा, जबकि अमेठी की ही विधायक महाराजी देवी तो वोट देने आई ही नहीं। यानी खेला सिर्फ अखिलेश के साथ नहीं हुआ। अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका वाड्रा अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए भी बिसात बिछ चुकी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी विधायकों में अंबेडकर नगर के राकेश पांडे, कौशंबी के चायल की एमएलए पूजा पाल, अंबेडकर नगर के गोसाई गंज से एमएलए अभय सिंह, जालौन में कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी और बदायूं के विधायक आशुतोष मौर्य का नाम भी शामिल है। क्रॉस वोटिंग करने वाले इन विधायकों ने क्यों ये फैसला लिया ये भी जान लीजिए। सबने कहा है कुछ ना कुछ। राकेश प्रताप सिंह के मुताबिक उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। आज उन्होंने रामलला की तस्वीर भी अपने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट कर दी है। अभय सिंह ने भी अंतरात्मा की आवाज पर आज क्रॉस वोटिंग कर दी। उन्होंने भी आज रामलला की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट कर दी। मनोज कुमार पांडे के मुताबिक राजनीति में तो आरोप लगेंगे, केवल जनता के लिए सोचना है। बीएसपी के एक विधायक उमा शंकर सिंह ने भी बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक जगदीश राय ने भी क्रॉस वोटिंग की और वो समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग कर दी। इस बीच जब अखिलेश राज्यसभा चुनाव में अपने सारे विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए तो उन्होंने क्या आरोप लगाया, सुनिए। और जो लोग गए हैं
उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैं किसी की अंतर आत्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अखिलेश के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों का ये रुख क्या ये संकेत नहीं देता कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर परसेप्शन में मोदी का पलड़ा भारी है, इसलिए विपक्ष के खेमे में भगदड़ मचती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश की कहानी ही देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 3 विधायकों की बीजेपी के पक्ष में वोटिंग, जो इंडिपेंडेंट हैं उनके बीजेपी के पक्ष में वोटिंग से वहां कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी दिग्गज लॉयर है, दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी की, इनकी सीट फंस गई है। बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार की जीत का दावा भी कर दिया है, हर्ष महाजन जीत गए ऐसा जयराम ठाकुर ने आके अनाउंसमेंट भी कर दिया। इन विधायकों को हरियाणा के रेस्ट हाउस में मौजूद होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि हिमाचल के विधायकों को हरियाणा पुलिस अपने साथ हरियाणा लेकर चली गई है। सुनिए उनका ये बयान। सीआरपीएफ के जवान हिमाचल में लग गए हैं और हरियाणा पुलिस भी हिमाचल के एमएलए जो गुंडा के यहाँ से गए हैं तो उनको भगा कर ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि देखिए वो चाहे पंचकूला पहुंचे चाहे हिमाचल की जनता देखती है, तो पार्टी के खिलाफ जाकर मत डालते जो कि जैसा कि अभी पता लग रहा है वो जनता हिमाचल की इतनी जानती है कि वो आने वाले समय में ये तोड़ जवाब। चलते हैं हिमाचल की तरफ। सुक्खू जी के आरोप अपनी जगह, लेकिन जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये हर्ष महाजन है जो जीत कर आए हैं ऐसा दावा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बीजेपी नेता जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यूपी और हिमाचल में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई तो कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, यानी राज्यसभा चुनाव में जहां जिसकी जैसी चली वहां उसके पक्ष में वैसा खेल हुआ। लेकिन वायनाड में राहुल गांधी को उनके इंडी गठबंधन के पार्टनर सीपीआई ने ही सरप्राइज कर दिया। सीपीआई ने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और अपनी सीटों पर वायनाड में राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीपीआई की वरिष्ठ नेता एनी राजा चुनाव लड़ेंगी। सुनिए अपने कैंडिडेचर पर उनका ये बयान। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पे अभी जो सिटिंग एमबी है इसलिए वही उधर कैंडिडेट होगा, ऐसा डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में कोई भी सीट में कोई भी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा हो सकती है। ये इंडिया अलायंस के अंदर भी ये बात बिल्कुल पक्का है, सबको भी पता है कि केरला में इंडिया अलायंस का जो बात नहीं है, जो सिस्टम आज चल रही है, जो फॉर्मुलेशन अभी चल रही है उसी वो ही कंटिन्यू करेंगी। दिस इज वेरी क्लियर फॉर ऑल दी अलायंस पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस। राहुल गांधी कांग्रेस सोचे कि राहुल का मैं क्यों परेशान हो राहुल गांधी के बारे में, मैं परेशान होने का नहीं है।
अब राहुल गांधी के लिए अजीब मुसीबत है। अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है और वायनाड में इंडी गठबंधन के सहयोगी ने ही दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर कैसे प्रहार किया और चुटकी भी ली, आप भी सुनिए उनका ये बयान। ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। आप देखिए केरला में लोग एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते हैं। जवाब में कम्युनिस्ट सरकार ने कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज कराया। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है और सवाल पब्लिक का, क्या 2024 के चुनाव के मद्देनजर ही यूपी और हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में उठापटक हुई है? वायनाड में राहुल गांधी को लेफ्ट की चुनौती के बाद क्या इंडी गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है? क्या इंडी गठबंधन के नेता चाय समोसे के लिए ही बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनते रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का और इस सवाल का जवाब लूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट से, लेकिन उससे पहले चलती हूं अपने रिपोर्टर के पास जो हरियाणा के पंचकुला में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर है। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, मैंने सुना है कि 3 इंडिपेंडेंट निर्दलीय और 6 कांग्रेस के विधायक इस समय कांग्रेस के गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हैं। मैं पूछना चाह रही हूं आपसे कि ये चुनाव राज्यसभा की सीट का तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में हार गई है, क्या सरकार चलेगी या नहीं चलेगी इस पर कोई आपके पास खबर आ रही है? इन विधायकों का क्या कहना है? बिल्कुल नाविका जी, आपने ठीक कहा कि बात शुरू हुई थी राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव से, लेकिन अब ये बात आगे बढ़ गई है। अब सियासी संकट खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश सरकार को लेकर। यहां पर जो 6 कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था वो पहुंचे थे, उनके साथ इंडिपेंडेंट विधायक भी बताए जा रहे हैं, और करीब 6:30 बजे वहां यहां पहुंचे थे, करीब 1.5 घंटा रुके और 8 बजे से पहले वो यहां से जा चुके हैं। और हमने जब बात की कुछ विधायकों से तो लाहौल स्पीति के विधायक है रवि ठाकुर, उन्होंने बिल्कुल कैमरे पर आकर ये कहा कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है इसलिए हमने उनके कैंडिडेट को जिताया है ताकि हिमाचल प्रदेश को वो ज्यादा विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकेंगे, ज्यादा फंड्स आएंगे, इसलिए उन्होंने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको वोट दिया है। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इससे बड़ा सियासी संकट हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए खड़ा हो सकता है। बजट सेशन अभी चल रहा है और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो बीजेपी है वो आ सकती है, क्योंकि पहली जीत उनको मिल गई है, हर्ष महाजन वहां से चुनाव जीत चुके हैं, जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी है। तो क्या अब सरकार भी वहां गिर सकती है, बड़ा सवाल है। और बजट सत्र में जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर ये जो सरकार का पेच है ये फंस सकता है। जी नोज जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजर रखिएगा क्योंकि अब सिर्फ राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की हार नहीं हुई है, इस वक्त कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि क्या उनके सरकार शिमला में बचेगी या नहीं। पूनम मेरी सहयोगी शिमला से मेरे साथ जुड़ रही हैं। पूनम जी, सवाल ये है कि क्या इस चुनाव राज्यसभा के चुनाव के बाद अब गहरे संकट के बादल लहरा रहे हैं कांग्रेस के सर पर शिमला में? अब ऑफिशियल डिक्लेयर हो गया, ऑफिशियल तो नहीं, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। पूनम जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल में उस पर संकट है, वहां मुख्यमंत्री का क्या कहना है?
शायद कनेक्शन में कोई खराबी है, चलेंगे थोड़ी देर में शिमला फिर। लेकिन आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे तमाम पैनलिस्ट, शलभमणि त्रिपाठी जी प्रवक्ता है बीजेपी के, संजय झा राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के सस्पेंडेड लीडर, राजीव राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। और मेरा पहला सवाल राजीव राय जी आपसे, ये जो हुआ, अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तो जानना चाहते थे कि कौन हमारे साथ है और कौन दगाबाज है, अब दगाबाज कौन है ये आपको अपने आप नहीं पता चलता, उसके लिए राज्यसभा के चुनाव करवाने पड़ते हैं, ये कैसा तर्क हुआ, नंबर एक। और नंबर दो, कहीं ना कहीं मौके की नजाकत को शायद विपक्षी दल समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में, वहां वायनाड में और हिमाचल में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, पॉलिटिकल घटनाएं, उससे कुछ ना कुछ मैसेज तो विपक्षी दलों को मिल ही रहा होगा कि किसकी अंतरात्मा क्यों और क्या कह रही है। जी, आपने एक नाम भूल गए, उसमें चंडीगढ़ का भी नाम जोड़ लेती होती तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वो मैसेज लाउड एंड क्लियर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आया था, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ का भी जोड़ना चाहिए था उसमें। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। राजीव राय जी, आपकी आवाज पूरी देश को जा रही है। जी जी, आपने जो उदाहरण दिया था उसमें एक नाम चंडीगढ़ का जोड़ना शायद आप भूल गई होंगी या जान से भूल गई। वहाँ का जो मैसेज था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था लाउड एंड क्लियर, रही बात। दूसरी बात, दगाबाज कौन है ये जानने के लिए मौके की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन मौके पर जो दगाबाजी करता है वही दगाबाज है। हमें तो ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो तमाचा मारा था चंडीगढ़ में, उसके बाद से कुछ तो नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी पढ़ी होती। लेकिन जो पार्टी ये नारा देती है कि एक अकेला प्रधानमंत्री, एक अकेला मोदी जी, माननीय मोदी जी अकेले 39 पार्टियों के गठबंधन में भी अकेले महसूस करते हैं, और अकेला होने के बावजूद जो अपने को इस बात का दम भरते हैं कि इस बार 400 पार, चाहे मेयर का इलेक्शन हो चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, अनैतिक तरीकों से बाज नहीं आती भारतीय जनता पार्टी, साम दाम दंड भेद करके कैसी भी करके बस चुनाव जीतना है। ये सत्ता की पिपासा इतनी ज्यादा इनके अंदर है कि कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं रह गई। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उन तमाम माननीयों को भी बात कर रहा हूं कि जिस पार्टी के नाम पर, सिंबल पर, वोट पर आप माननीय बने, उस पार्टी को अगर आपने छोड़ दिया तो जनता भी आपको छोड़ देगी, इस दिन में बहुत दूर नहीं है। रही बात अंतरात्मा की, तो अंतरात्मा मौके परस्त नहीं होती, अंतरात्मा स्वार्थी नहीं होती। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने मौका परस्ती को देखकर अगर आप कहीं गए हैं तो अंतरात्मा का नाम मत लीजिए, कि अंतरात्मा हमेशा ईमानदार बातें कहती है, बेईमानी की बातें नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इस तरह का अनर्गल अनैतिक कार्यों से और अपने बाहुबल से, धन बल से, सत्ता बल से अगर सत्ता प्राप्ति के साधन बनाने पर नहीं रोक लगाई गई तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, ये सबको सोचना होगा। चलिए, ये कह देना लोकतंत्र का खतरा, चलिए आपने चंडीगढ़ की बात उठाई तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वो मेयर का पोल था, इसलिए मैंने राज्यसभा के पोल के साथ नहीं उठाया, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था और जो संदेश था उसकी बात कही, तो ये सवाल मैं पास करती हूँ शलभमणि त्रिपाठी जी को। शलभमणि त्रिपाठी जी को, और सवाल इतना ही है कि सत्ता हो हाथ में तो क्या अंतरात्मा जगाने में आसानी पड़ती है, ये सवाल राजीव राय जी उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। नविका जी, हिमाचल में कौन सी सत्ता हमारे पास है? हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और अगर इनके फॉर्मूले के हिसाब से चला जाए तो कायदे से तो हमारी पार्टी में टूट होनी चाहिए, लेकिन क्यों टूट हो रही है इस बात को अगर आप समझना चाहेंगे तब आप समझेंगे, और ये टूट आपकी विचारधारा की वजह से हो रही है। अगर आपकी पार्टी के विधायक इस बात को लेकर घुटन महसूस करते हैं कि उन्होंने सनातन परिवार में जन्म लिया है, सनातन उनका उनका इतिहास सनातन पीढ़ी से जुड़ता रहा है, और आप चाहते हैं कि वो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, उसके बाद जब सरकार उनको लेकर जा रही है तब भी न जाए,
आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, उन आतंकवादियों के मुकदमे जो जिन्होंने धर्म स्थलों पर हमले किए, और आप चाहते हैं कि आपके विधायक उस पर सवाल न उठाए। आपके परिवार, आपके आपकी पार्टी में एक परिवार पार्टी चलाता है। तो अगर आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं तो शिवपाल यादव जी की अंतरात्मा में क्या हुआ था जब वो अखिलेश जी को छोड़ के चले गए थे, और आज उनकी अंतरात्मा में क्या हुआ कि वापस चले आए हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि बजाय दूसरों को दोष देने के, वो आपको खुद को देखना चाहिए कि आप कौन सी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज देश का एक एक व्यक्ति, इस देश के 140 करोड़ लोग इस बात को समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश किस प्रकार से सशक्त हुआ है। आज हर मोर्चे पर विकास हुआ है, आतंकवादियों का सफाया हुआ है, और दुनिया के बाहर जो आतंकवादी है उनका क्या हश्र हो रहा है, ये भी सबको देखना चाहिए। तो आज एक प्रकार का विश्वास लोगों के मन में पनपा है, एक लहर चल रही है मोदी जी की, एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि जनता ही चुनकर भेजती है। आप क्षेत्र में जाते हैं और लोग आपसे कहते हैं भाई आप इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी ने भगवान राम के मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी में कहा जाता है कि नहीं भगवान राम काल्पनिक थे, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के एक व्यक्ति रोज रामचरित मानस के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, तो घर परिवार में आदमी जस्टिफाई नहीं कर पाता। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमएलए ने मुझसे कहा कि मेरे घर के लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं गए मंदिर, आपको कहा था मुख्यमंत्री जी जाने को तो आप क्यों नहीं गए, आपको न्योता आया था आप क्यों नहीं गए। तो जब एक जनप्रतिनिधि जनता से लेके अपने परिवार में जस्टिफाई, रोकूंगी शलभमणि त्रिपाठी जी आपको एक मिनट, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हिमाचल प्रदेश से, जहां जयराम ठाकुर जी का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, प्रेस वार्ता भी है, चलेंगे जब वहां बोलना शुरू होगा। वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जी का बयान सुनते हैं। तो सब एक साथ में अलग अलग किसी से कोई बात नहीं होगी। दूसरा, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा, अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलेज से दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, आवाज करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी, अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा, एक साथ बोलेंगे। चौहान जी एक जस्ट टेक अ फुल क्लिप, उस पर लिंक भेज देंगे सबको, कंटिन्यूस क्लिप। अब इधर आ जाइए, वहीं से ले, अलग अलग लोगों को मांगते हैं। तो दोस्तों बताएं कब शुरू करना है। सब आ गए आपके दोस्त, हिंदी इंग्लिश सब हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश से शुरू नहीं किया, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा फिर अंग्रेजी में, कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर MLA जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे, और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 MLAs को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब MLA से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नहीं सबसे पहले, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा उनकी पार्टी को,
अपने गिरेबान में देख के सोचे। जब भी संजय झा फोटो हो गई, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, लेकिन अंतरात्मा बाद में बोली। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ना सिर्फ वहां पर आप राज्यसभा का चुनाव हारे हैं, बल्कि शायद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। संजय झा, ये बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये बात उत्तर प्रदेश की भी सिर्फ नहीं है। जिस पार्टी के लीडर जिस अलायंस में है, ये बीजेपी की भी बात नहीं है, आप जिस अलायंस की का दावा करते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि हम सब विपक्षी दल एक साथ हैं, उसी इंडी गठबंधन ने आज आपको जो सबसे बड़ा एक वेकअप कॉल दिया है, वो दिया है केरल के वायनाड सीट पे, जब उन्होंने सीपीआई की कैंडिडेट उतार दिए। जब राहुल गांधी का ही कुछ नहीं बचा, तो फिर बाकी कौन बचेगा? और ये सवाल कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए सोचना क्या जरूरी नहीं है? नाविका जी, देखिए, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ हिमाचल या किसी राजनीतिक दल का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर त्रिपाठी जी या जो भी भाजपा के जो प्रवक्ता जो भी प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा उपदेशक जैसा एक प्रवचन दिया। मैं समझता हूं कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा ये एक मसला है कि आज एक राजनीतिक दल इतनी निर्लज हो चुकी है, इतनी बेशरम हो चुकी है कि उसको जब चंडीगढ़ में उन्होंने दिन दहाड़े एक फरेब किया, पकड़ा गया, कैमरा में पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना, सत्ता के लोभ में इतना नशा है, ये इतने पागल हो चुके हैं, और ये इनका अहंकार जो है कि हम तो तीसरे बार जीत ही रहे हैं, तो जो चाहे करो। ये तो हंस रहे, देखिए हमारे चैनल पे हंस भी रहे हैं। देखिए, इनमें मैं समझता हूं कि नैतिकता, सिद्धांत, उसूल, आदर्श, ये शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। आपकी बौखलाहट देख, अब आप ये देखिए इस बार सुनिए, आपको अपने इंटरव्यू था, आपको बोलने दीजिए दो मिनट। आप ये देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, रोज बजे लोकतंत्र का बजा, ये कहते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमने देखा मणिपुर में कितना अच्छा काम किया, हमने देखा 50-48 लाख लोग कानपुर के स्टेशन में 2 बजे रात को। आज मणिपुर से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल लौट आइए, मणिपुर की बात हम रोज करते हैं संजय झा जी, आज दरखास्त है मेरी, आज केरल की बात कर दीजिए ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर आप बीजेपी को निर्लज बता रहे हैं, तो आप शायद सीपीआई को भी निर्लज बताएंगे, क्योंकि वायनाड में उन्होंने भी कैंडिडेट उतार दिया। अब सीपीआई निर्लज है, सीपीआई के साथ आपकी दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर है नहीं है, देश को बताइए ना। नाविका जी, मैं जवाब दे रहा हूं, हमको एक मिनट तक सुन लीजिए। 48 लाख हमारे युवा 60,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए निकले रात को, वो एग्जाम में भी पेपर लीक हो गया, यही इसी को कहते हैं शासन सुशासन। देखिए, ये सरकार नहीं चला सकते, इनको सिर्फ चुनाव लड़ना आता है, वो भी जुमलों की बारिश झूठ के पहाड़ पर। ये सरकार झूठी है, और मैं तो खुलेआम कहूंगा अब की बार झूठ की हार होकर रहेगी। जहां तक आपने केरला का बात कहा नाविका जी, मैं ये कहना चाहूंगा, केरला में 20 से 20 सीट इंडिया अलायंस का होगा, चाहे कांग्रेस का 15 हो या सीपीएम का 15 हो, उसे कोई भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, वहां उनका आंकड़ा शून्य ही होगा। लेकिन ये बात आपके प्रोग्राम पे कहना, मैं समझता हूं अहम है। जो सरकार अपने किसानों से झूठ बोलती है, जो किसान अपने युवाओं को झूठ बोलती है, जो किसान अपनी महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उनसे बात भी नहीं करती, इस सरकार का कोई हक नहीं है कि ये चुनाव में, तो ये खुद अपने आप को कहते हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। अरे भैया, आपको थोड़ी शर्म होती तो आप माफी मांगते भारत के देश के आवाम से कि हमने आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है 10 साल तक, हमें माफ कर दीजिए। आपके घोषणा पत्र में माफी से शुरू कीजिए आप,
राजीव राय जो मेरे मित्र ने जो कहा था, संजय झा आप वायनाड पर जवाब नहीं देंगे, आप हिमाचल पर जवाब नहीं देंगे, आप महिलाओं की बात करेंगे तो संदेश खाली की जवाब नहीं देंगे, क्यों राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं कहते, ये सारे जवाब नहीं देंगे आप, क्योंकि ये आपको सूट नहीं करते। आप वही सवाल उठाएंगे जो आपको सूट करते हैं। तो शलभमणि त्रिपाठी जी, अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र की बात कौन करते हैं? लोकतंत्र की बात वो करते हैं कि जब इंदिरा गांधी बेईमानी से चुनाव जीतती हैं, जब कोर्ट उनके चुनाव को कैंसिल करता है, तो जो पूरे देश के लोकतंत्र को अपने बूटों तले रौंदते हैं वो लोकतंत्र की बात करते हैं। कितने बेशर्म है, ये सोचिए। और ये कुंठित आत्मा है, देखिए मणिशंकर अय्यर हो या ये महोदय हो, इनकी इतनी कुंठा है कि मोदी कैसे चुनाव जीत रहे हैं, मोदी क्यों 370 हटा रहे हैं, मोदी क्यों आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में क्यों देश में राम मंदिर बनकर खड़ा हो रहा है, मोदी के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर क्यों खड़ा हुआ। ऐसी बहुत सी कुंठित आत्माएं हैं, हमें उस कुंठित आत्माओं की कोई चिंता नहीं है। 2014 आप हारे, 2019 हारे, 17 हारे, 22 हारे, और जिस नेता के नेतृत्व में हारे उस नेता की हालत यह हो गई है कि जब वो बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी साथ छोड़ देती हैं, जब वो बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार एनडी गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन बना लेते हैं, जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो देवड़ा परिवार कांग्रेस पार्टी छोड़ देता है, और जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो ऐसे उनके चरण हैं जहां जहां पांव पड़े संतन के, कि आज यहां पर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमएलए ने पार्टी छोड़ दी और स्थिति ये हो गई। अमेठी तक हारे, उसके बाद भी शर्म नहीं आती। अमेठी, जहां पर लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का मतलब, वो शब्द कहना नहीं चाहता, कि कांग्रेस पार्टी का ये भी खड़ा हो जाए तो भी चुनाव जीत के आएगा, अमेठी हार के वायनाड खदेड़ दिया। और इस बार वायनाड में भी आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि फला व्यक्ति ने सीट कर दी, इसी के नाते जो कुंठा आपके मन में भरी है और खासतौर पर मोदी जी के प्रति जो नफरत भरी है। और मोदी जी से नफरत क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने गरीबों को मकान दिया, मोदी जी ने माताओं बहनों को शौचालय दिया, मोदी जी ने गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया, मोदी जी ने इस देश को समृद्ध किया, ताकतवर किया, चाइना के सीने पर चढ़कर उसको जवाब दिया, पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया। आपकी कुंठा इस बात को लेकर है। तो आप जितना मोदी जी को कोसेंगे, जितना मोदी जी को गाली देंगे, उतना इस देश का गरीब, इस देश की माताएं बहने, इस देश में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान भाई, वो खड़े होंगे मोदी जी के साथ, हमारे जैसे नौजवान मोदी जी के साथ खड़े होंगे। और आपकी जो हालत है ना, यही भाषा आपको दोबारा ऐसी जगह ले जाएगी कि जहां से पनप नहीं पाएंगे। आज जाके छोटे छोटे दलों के दरवाजों पर जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। किसको आ रही हूँ आपके पास मैं, संजय झा जी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको लाना चाहूंगी। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है कि ना सिर्फ 6 विधायक छोड़कर गए हैं, दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग की है, 3-4 और विधायक नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री सुखू साहब से। इससे मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि अब हिमाचल की सरकार पर सचमुच क्या संकट के बादल घिरे हुए हैं, और ये सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आया तो शायद फिर से बीजेपी को कहने लगे कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता, इसकी जब बात कोई करने लगे तो समझिए कि उसकी जमीन कमजोर है, क्योंकि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने नैतिकता और शुचिता के मापदंड पर कोई बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। हम लोगों को ध्यान में है ना कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी ही खा गई, बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी AIMIM को लील गई, पता भी नहीं चला, तब किसी ने इस सब पर चर्चा नहीं की। निश्चित तौर पर राजनीति में सबसे ज्यादा ताकत बढ़ा लेनी ही इसी का खेल होता है, और राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग पहली बार नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये दोनों दो बड़े उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश में तो जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने बधाई दे दी हर्ष महाजन को, तो अब जयराम ठाकुर के कहने की जरूरत नहीं है, अब प्रतिद्वंदी ही कह रहा है इसका मतलब जीत गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, और आप भाजपा के बयानों पर मत जाइए, वो तो कहेंगे ही, वो तो कोशिश ही करेंगे। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो जिस तरह से वोटिंग के पहले से ये बात कह रही है, बाद तक ये बात कह रही है। आज पल्लवी पटेल ने भले समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया, उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरह के सवाल खड़े किए थे पीडीए के नाम पर, तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार ठहर कर अपने भीतर भी झांकना चाहिए।
कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी कोशिश यही रहती है, और इसमें कई बार वो नैतिकता शुचिता के मापदंड लांघते हैं, लेकिन अगर कोई विधायक तय कर रहा है कि उसको दूसरे पाले में जाना है, उसको अपनी राजनीति लग रही कि अब नहीं आगे चल पाएगी, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी को सोचना चाहिए जिससे वो छोड़कर जा रहे हैं। आप ये आरोप लगाकर बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहती है और जनता भी पूछ रही है, पब्लिक का सवाल है कि अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है कि क्या राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व की वजह से उनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है, और वायनाड में तो आप ही की पार्टी ने सीपीआई ने एक कैंडिडेट भी उतार दिया है, और जो खरी खोटी सुनाई है कांग्रेस को कि आपकी लंका जल रही है, उत्तर भारत में आप करल क्या करने आए हैं, उसके बाद बचता क्या है? कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी वो पसंद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ बीजेपी को सिर्फ कोसने से क्या चुनाव जीते जा सकते हैं? अब आप सुन लीजिए, सबसे पहली चीज है भाजपा डरी हुई है क्योंकि ये हार रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ईडी का सीबीआई का पैसा फेंक करके जिसको जहां तोड़ सको तोड़ो, कांग्रेस को तोड़ो महाराष्ट्र में, अशोक राव चव्हाण को लेकर के आए, उनके थ्रू बाकी विधायकों को लेकर के आओ, समाजवादी पार्टी में फूट डालो, हिमाचल प्रदेश में पहुंचो, एलिगेशन है कि जबरदस्ती लाया गया था कुछ विधायकों को, वो भी बात कल क्लियर होगी। ये डरी हुई पार्टी का स्टेटमेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होता तो अपने मॉरल राइट के थ्रू हार और जीत के हिसाब से 2024 लड़ते, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस एक रिस्पेक्टेड दल है INDIA का, और लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती हैं, राहुल गांधी का बिल्कुल सम्मान करती हैं। यह अलग बात है कि INDIA के अंदर बंगाल में केरल में हम पहले भी लड़ते आए हैं कांग्रेस से, पिछली बार भी राहुल गांधी लड़े थे तो CPI का एक कैंडिडेट लड़ा था, लेकिन बाकी जगहों पर हमारा गठबंधन है। पंजाब में INDIA का गठबंधन नहीं है, आम आदमी पार्टी अकेली लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेली लड़ रही है, लेकिन 2004 में कांग्रेस से लड़ने के बाद भी 64 मेंबर पार्लियामेंट ने वामपंथियों ने यूपीए की सरकार को समर्थन देकर के खड़ा किया, और बहुत सी बातें मीडिया के सामने हम नहीं बता सकते कि क्या हमारी बात कांग्रेस से हुई है और राहुल गांधी से हुई है, कहां से वो लड़ेंगे, क्या वो प्लान है, हर चीज समय के ऊपर ही सामने बताई जाती है। चलिए, लेकिन ये याद रखिए, नहीं बताना चाहते, सीक्रेट रख लीजिए, मानती हूँ स्ट्रेटजी का पार्ट है, लेकिन लेकिन जो उनकी सीट है वो उन्हें नहीं देंगे, बाकी कोई सीट ले लीजिए, हमारे बीच में वैसे सब कुछ ठीक है, हम बंगाल में साथ नहीं लड़ेंगे, पंजाब में साथ नहीं लड़ेंगे, केरल में साथ नहीं लड़ेंगे, पर बाकी सब ठीक है। ये सब ठीक कैसे हो जाता है, संजय झा जी बता दीजिए, समझा दीजिए। मैं भी ठीक कर दिया था। देखिए नाविका जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण और मैं समझता हूं कि खेदजनक है कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं त्रिपाठी जी, वो कहते हैं कि राजनीति में यदि नैतिकता की बात हो, यदि सिद्धांत की बात हो, मतलब वो राजनीति दल हार रहा है, मतलब इन्होंने समझौता कर लिया है कि यदि भाजपा के नेतृत्व में घटिया और घिनौनी राजनीति है, अरे जीतो जैसे भी जीतो वही ठीक है। अरे एक मिनट, जरा बीच में मत टोकिए त्रिपाठी जी, बीच में मत टोकिए, मेरा नाम लेके बोला ना, मेरा नाम ले, बीच में मत टोकिए, बोलना पड़ेगा ना झा जी, अरे बकवास मत, बकवास मत, हम बोल रहे हैं, चिंता मत कीजिए ना, आपको मौका दे, मौका तो आपको मिलेगा ही, बौखलाने का काम नेताओं का है, बौखला रहे हैं, अरे बौखलाइए मत, शांति रखिए, बाबा रामदेव का लंबा सांस लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि में क्या कहा था जरा उसके बारे में भी हम बता देते हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा की सरकार चुप क्यों थी, जबकि पतंजलि ने अपने इजहार में गलत गलत चीज से लेके भारत के उपभोक्ताओं को झूठ बोला, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये सरकार झूठी है, फरेबी है। चलिए, सरकार खराब, पतंजलि खराब, सबकी नैतिकता खराब, JMM कभी हुआ ही नहीं था, आप तो आदर्शवादी हैं, लेकिन कांग्रेस में तो कुछ खराब है ही नहीं, सूटकेस वाली वारदात आपके समय में होती है, JMM से आप खरीदते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन कांग्रेस सबसे अच्छी है, चलिए मान लेते हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कांग्रेस ने सस्पेंड किया है तो भी मैं आपका बहुत आदर करती हूं, और इस पर आप जवाब नहीं दे रहे कि आपको आपको बीजेपी खराब नहीं कह रही, आपको तो CPI खराब कैंडिडेट कह रही है वायनाड में, इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राजीव राय जी एक मिनट, इंडी गठबंधन यूपी में है इसलिए राजीव राय जी को बोलने का मौका दे दीजिए, राजीव राय जी सवाल ये है,
नैतिकता की आप बात करें, बिल्कुल नैतिकता कहाँ है, किसके पास है, ये जनता खूब अच्छे से जानती है। लेकिन सवाल ये है कि नैतिकता सिर्फ एक जगह दिखानी और दूसरी तरफ नहीं दिखानी, ये सवाल जनता पूछती है। और जनता ये पूछती है कि भाई आप राम के ना हो पाए तो किसी और के क्या होंगे। अब शायद इसी वजह से अंतरात्मा बोली है किसी की, अब आपको भी तो अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना। नाविका जी, अब दो राउंड के बाद तीसरे में मौका दिया है तो सारे सवालों के जवाब दे लेने दीजिए। उसके पहले सल्लमणि त्रिपाठी जी ने कई बेतुकी बातें करी। उन्होंने कहा कि फलाने आपको छोड़कर चले गए, फलाने छोड़कर चले गए, आपने भी कहा। इनको इनको बड़ा दर्द हुआ, शिवपाल यादव जी चले गए तो अंतरात्मा की आवाज पर चले गए। आदरणीय त्रिपाठी जी को जब पांडे जी, महेंद्र पांडे जी केंद्रीय मंत्री को ओम प्रकाश राजभर ने मंच से खड़े होकर मां बहन की गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात किया, तो माननीय त्रिपाठी जी की अंतरात्मा इनको ताली बजवा रही थी। जब ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को भीख का कटोरा लेकर मठ भेजने की बात किया तो ये खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। माननीय त्रिपाठी जी को जब मोदी शाह को गुजरात भेजने की बात करी और सबसे बड़ा झूठा बताया तब तो ये भांगड़ा कर रहे होंगे, इसलिए अपनी बातें नहीं कहते। और जब इनको छोड़कर अकाली दल वाले चले गए, इनको छोड़कर उद्धव ठाकरे चले गए, इनको छोड़कर तमाम लोग चले गए, तब वो नैतिकता की पाठ नहीं होती, तब आप उनसे सवाल नहीं पड़ती है। और नाविका जी, मैं घोर आपत्ति करता हूं ये आपका स्टेटमेंट जनता का नाम लेकर कि जनता कहते हैं जो राम के नहीं हो हमारे क्या होंगे। पत्रकार जो विपक्ष का ही नहीं सुना वो लोकतंत्र का क्या सुनेगा। मेरे अब जवाब को, कड़वे जवाब को सुन लीजिए। कभी भी समाजवादी पार्टी ने राम का विरोध किया है? मैंने अपने चैनल पर, आपके चैनल पर, अपने घर में राम मंदिर दिखाया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी और डिंपल जी का बयान भी था कि हम सब परिवार राम मंदिर में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई इन्विटेशन देने वाली नहीं होती है। और भगवान के हम तो केदारेश्वर का मंदिर बनाते हैं, राम मंदिर से इनका नाता सिर्फ इतना ही है कि मुझे नहीं पता कि आपने दिखाया था या नहीं दिखाया था, लेकिन तमाम अखबारों, तमाम चैनलों पर चला था कि रात को 7 बजे तक रजिस्ट्री, 8 बजे तक कंप्यूटर खोलकर, 6 बजे 1 करोड़ का, 6:30 बजे 5 करोड़ की जमीन को खरीद फरोख्त किया गया। जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने आदर्शों के लिए सत्ता को त्याग दिए थे। चलिए, आरोप आपका शलमणि त्रिपाठी जी जरूर जवाब देंगे, लेकिन संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सोनिया गांधी को हिमाचल से राज्यसभा चुनाव लड़ने का निमंत्रण दे रहे थे, अगर सोनिया गांधी जी वहां से पर्चा भरती तो क्या होता। मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, राहुल की सीट पर वामपंथी उम्मीदवार कैसे इंडी गठबंधन की बात करते हैं। सुधीर का दिल्ली से सवाल है, मेरा सवाल संजय झा से है, अब बताएं कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। पृथ्वीराज का अलीगढ़ से सवाल है, क्या इंडी अलायंस 2024 के चुनाव तक एकजुट बना रह पाएगा। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उधर इंडी अलायंस के साथी लेफ्ट वाले राहुल जी के साथ ही वायनाड में अन्याय कर रहे हैं, क्यों भाई। अब ये सवाल जनता पूछ रही है। मैं गलत हो सकती हूँ, पत्रकार गलत हो सकते हैं, राजीव राय जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को सुन रही हूँ, लेकिन क्या सारी जनता भी गलत सोच रही है, परसेप्शन जनता को भी गलत जा रहा है। शलमणि त्रिपाठी जी, अब जनता का क्या इलाज करेंगे। नाविका जी, मैं जवाब देना चाहूंगा ढेर सारे प्रश्नों का। नहीं देखिए, आप एक चीज समझिए, अभी राजीव जी ने कहा, ओम प्रकाश राजभर जी का जिक्र किया, ओम प्रकाश राजभर जी ने विधानसभा में क्या क्या कहा है राजीव जी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते, कोई भी हो, आपसे भी हमारा कोई विरोध नहीं है, अखिलेश जी से भी कोई विरोध नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी को तो इतना बड़ा सम्मान दिया प्रधानमंत्री जी ने, हम विचारधारा के विरोधी हैं। और नेताजी वही थे, नेताजी ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन नेताजी ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद भी दिया पार्लियामेंट के भीतर, आप इसको क्या कहेंगे। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हो सकते। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, आपकी बात सही है, जब कहा था तकलीफ भी हुई थी, लेकिन विचारधारा का टकराव है, किसी व्यक्ति से टकराव नहीं है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर जी आपको क्यों छोड़ के चले आए, आज दारा चौहान जी आपको क्यों छोड़ कर चले आए, आज तमाम सारे जो आपके दल थे आपके साथ में वो क्यों आपको छोड़ के चले आए, और उसमें तो पीडीए छोड़ के आया। मैं कहना नहीं चाहता पीडीए का फुल फॉर्म, लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है,
पीडीएम में आप देखिए राज्यसभा में जो कैंडिडेट उतारते हैं आपकी पार्टी के लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आपने जिनको प्रत्याशी बनाया उसमें कितने पीडीए थे। बात तो आप पीडीए की करते हैं लेकिन आप ना पी संभाल पाए ना डी संभाल पाए ना ए संभाल पाए। और इस देश की जनता बहुत मैच्योर हो चुकी है नाविका जी, इस देश की जनता आज समझ रही है, इस देश के महान लोग ये समझ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा नेता देश के साथ खड़ा है और कौन देश के खिलाफ खड़ा है। लाख संजय झा जी बौखलाएं प्रधानमंत्री के लगातार जीतने पे, आपकी बौखलाहट से कुछ नहीं होता। और संजय भाई आप जितना बौखलाते हैं ना, आप मानकर चलिए कि हमारा 2% वोट बढ़ता है, आप जितना मोदी जी को गाली देते हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं, क्योंकि देश के लोगों ने समझा। संजय जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है पर क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया है तो अगर मैं 10 सेकंड नहीं दूंगी तो आप कहेंगे कि मैं फिर फेयर नहीं हो रही, डेमोक्रेटिक नहीं हो रही। 10 सेकंड अपनी बात कहिए। नाविका जी मैं त्रिपाठी जी के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, भारत की जनता बहुत ही जागरूक और समझदार है, वो देख रही है कि कैसे ऑपरेशन लोटस, जो ऑपरेशन कमल ये कहते हैं, कैसे ये एमएलए का स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है इन्होंने। दलाल स्ट्रीट मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है मुंबई में, लेकिन सुनिए आपको मैंने फिर एक बार मोदी सरकार अब की बात 400 पार जाते हैं। संजय झा जी याद करा दूं नैतिकता का पाठ देने से पहले सोच लीजिए कि कर्नाटक में भी अंतरात्मा की आवाज जगी है। इस बार वो कांग्रेस ने जगाई है और बीजेपी का एक वोट ले लिया है, उस नैतिकता को भी याद करिए संजय झा जी। हमाम में सब क्या है ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आज की डिबेट में बस इतना ही, समय हो गया है खत्म, लेकिन ये डिबेट जारी रहेगी क्योंकि अगर आपने सोचा था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में सरप्राइज है सस्पेंस है तो आज राज्यसभा ने सरपास कर दिया। चुनावी मौसम है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है और हम आपको हर किसी के दिल का तापमान रोज देते हैं इसी शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। लेती हूं आपसे इजाजत, तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हुई। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।